नमस्कार, मैं अनुज पाल, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों व अन्य गणमान्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के सदस्य रहे दिवंगत हुए हमारे राजनेताओं को मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। हमारे अपने इस सदन के बहुत वरिष्ठ माननीय सरताज सिंह जी, जो भारत सरकार के मंत्री भी रहे और इस सदन में भी मंत्री करके उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, हम सब उनको सरताज बाबू जी के नाम से जानते हैं। उनका जन्म उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में 26 मई 1940 को हुआ था। 5 बार सांसद, 2 बार विधायक के रूप में जनता की सेवा की। वह केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। वर्ष 1971 से 72 व 1978 से 80 नगर पालिका इटारसी में अध्यक्ष रहे। वर्ष 1991 से 94 में मध्य प्रदेश सरकार के कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे। आपातकाल के दौरान जुलाई 1975 से नवंबर 1976 तक मिसा निरुद्ध रहे। सरताज सिंह जी 13वीं-14वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। क्रमशः मंत्री वन, लोक निर्माण, 9वीं-10वीं-11वीं-12वीं-14वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा अनेक विभागीय और संसदीय समिति के सदस्य रहे। दिनांक 26 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे। शिक्षा, खेल, संस्कृति इत्यादि में विशेष कार्य किया। आपका योगदान साहित्यिक गतिविधियों में भी बढ़ावा देने वाला रहा है। आपको सदैव जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए याद रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह जी को भी उन्होंने एक बार चुनाव में हराया था। 12 अक्टूबर 2023 को 83 वर्ष की उम्र में सरताज सिंह जी का देहांत हुआ। उनके निधन से देश के एक वरिष्ठ तथा लोकप्रिय नेता, समाज सेवक तथा कुशल प्रशासक हमने खो दिया है। श्री रामदयाल अहिरवार जी, श्री रामदयाल अहिरवार जी का जन्म जुलाई 1948 को महाराजपुर जिला छतरपुर में हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जनसंघ से जुड़े रहे। उन्होंने लंबा राजनीतिक जीवन जिया तथा समर्पित समाज सेवी थे। सतत जन कल्याण के कार्यों में लीन रहे। वह 2 बार अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष तथा वर्ष 2005 में कृषि उपज मंडी सहित अनेक शासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष रहे। उन्होंने महाराजपुर विधानसभा के अलावा चंदला विधानसभा से चुनाव लड़ा और विजयश्री हासिल की। श्री अहिरवार प्रदेश की 6वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा 13वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 12वीं विधानसभा अवधि में गृह तथा परिवहन राज्य मंत्री रहे। 13वीं विधानसभा में जल संसाधन मंत्री, सहज और सरल स्वभाव के धनी श्री अहिरवार की छवि प्रदेश के लोकप्रिय विधायक के रूप में रही है। 90 वर्ष की उम्र में 13 अगस्त 2023 को अहिरवार जी का निधन हुआ। उनके निधन से प्रदेश के एक वरिष्ठ एवं लोकप्रिय नेता तथा कुशल प्रशासक को हमने खोया है। श्री भगवत सिंह पटेल का जन्म 17 नवंबर 1936 को ग्राम नया खुर्द, जिला रायसेन में हुआ। वह अखिल भारतीय किरात क्षत्रिय महासभा के सदस्य रहे। श्री पटेल राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। मध्य प्रदेश की 9वीं-11वीं-12वीं विधानसभा में बरेली का प्रतिनिधित्व किया। श्री पटेल ने बरेली विधानसभा के विकास में अहम भूमिका निभाई। 28 जुलाई 2023 को 87 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ है। श्री भगवंत सिंह मान के निधन से प्रदेश ने एक लोकप्रिय नेता को तथा समाज सेवी को खोया है। श्री कल्याण जैन का जन्म 6 फरवरी 1934 को इंदौर में हुआ। श्री जैन मध्य प्रदेश में समाजवादी आंदोलन के प्रणेता रहे। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1962 में नगर निगम इंदौर में पार्षद के रूप में हुई है। श्री जैन ने प्रदेश की 4वीं विधानसभा में संयुक्त समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा क्रमांक 3 का प्रतिनिधित्व किया है। आप जनता पार्टी के अलावा संयुक्त समाजवादी पार्टी तथा
भारतीय लोकदल के भी सदस्य रहे हैं। आप 1977 में छठवीं लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कल्याण जैन जी का निधन 13 जुलाई 2023 को हुआ है। आपके निधन से प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता समाज सेवी को हमने खोया है। श्री लीलाराम भोजवानी का जन्म 24 जनवरी 1941 को दादू सिंध में हुआ था। राजनांदगांव में आपके राजनीतिक जीवन के सफर की शुरुआत हुई। आपने भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर आप रहे हैं। श्री भोजवानी राजनांदगांव नगर पालिका के पार्षद, उसके बाद कनिष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे व मजदूर संघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे। श्री भोजवानी रायपुर से प्रकाशित हिंदी दैनिक के संवाददाता भी रहे। श्री भोजवानी प्रदेश की 9वीं-11वीं विधानसभा के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। श्री भोजवानी अविभाजित मध्यप्रदेश की 9वीं विधानसभा में राज्य मंत्री एवं श्रम विभाग में रहे हैं। श्री भोजवानी का निधन 16 अगस्त 2023 हुआ है। आपके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ नेता कुशल प्रशासक खोया है। श्री ताराचंद पटेल का जन्म 20 अक्टूबर 1941 को डालियाखेड़ी जिला खरगोन में हुआ। वे मां नर्मदा के अनन्य भक्त। उन्होंने गांव से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जनपद पंचायत का चुनाव लड़ राजनीति में कदम रखा। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सदैव मुखर रहे। वह कृषि उपज मंडी समिति सनावत के अध्यक्ष, नेफेड के संचालक रहे। श्री पटेल नगर पालिका सनावत के पार्षद, उपाध्यक्ष तथा अनेक सहकारी संस्थाओं में पदाधिकारी रहे। श्री पटेल ने वर्ष 1993 में प्रदेश की 10वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से बड़वा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1999 में खरगोन से 13वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री पटेल के निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ नेता तथा समाज सेवी खो दिया। श्री रामलाल भारद्वाज छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार जिले के पलारी विधानसभा के पूर्व विधायक, जन्म 11 अप्रैल 1947, जन्म स्थान ग्राम भंडारी जिला रायपुर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य। पेशे से शिक्षक। श्री रामदयाल 1998 में पलारी विधानसभा से विधायक चुनकर के आए थे। वर्ष 2000 में राज्य विभाजन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा के सदस्य बने। पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद आपने श्री अजीत जोगी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप अपने विकास कार्यों के लिए इतनी चिंता करते थे कि अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। आप जिला सहकारी एवं भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष भी रहे। 2 नवंबर 2023 के दिन लंबी अस्वस्थता के पश्चात आपका निधन हो गया। आपको आपके सरल सहज स्वभाव के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। डॉक्टर एमएस गिल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, पूरा नाम श्री मनोहर सिंह गिल, जन्म स्थान 14 जून 1936, कुशल नौकर सा राजनीतिज्ञ लेखक। वर्ष 1996 से लेकर 2001 के बीच आप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। आपके कार्यकाल में चुनाव में ईवीएम मशीनों का उपयोग प्रारंभ हुआ, जिससे मतदान में धांधली समाप्त हुई। वर्ष 2000 में आप पद्म विभूषण सम्मानित किए गए। वर्ष 2004 से 16 के बीच आप राज्यसभा सदस्य चुने गए। वर्ष 2009 से जनवरी 2011 तक आप केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में युवा एवं खेल मंत्रालय का आपने नेतृत्व किया। आपके कार्यकाल में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। जनवरी 2011 से जुलाई 2011 के बीच आप सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री का आपने उत्तरदायित्व संभाला। 15 अक्टूबर 2023 के दिन आपका दुखद निधन हुआ। ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल कर भारतीय लोकतंत्र को दुनिया भर में विश्वसनीयता दिलाने के लिए आपको सदैव स्मरण किया जाएगा। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मनोज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।